हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो हमने लिया है एक्सरसाइज 11 से। क्लास 10 की बुक है आर एस अग्रवाल की, टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स चैप्टर का नाम है। यहाँ पे फ्रेंड्स गिवन है क्वेश्चन में एडजॉइनिंग फिगर में ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल ए 30 डिग्री है, ए सी जो कि इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है 20 सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड करना है बी सी एंड ए वी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छी होने वाली है ये वीडियो, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ए सी गिवन है एंड एंगल ए गिवन है, तो इसका यूज़ करके हम ये दोनों चीज़ों को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम साइन ले लें, साइन 30, साइन ए और साइन 30, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। इससे हमको बी सी मिल जाएगा वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले सकते हैं साइन 30, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं पहले ट्राइंगल ए बी सी में साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए सी गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 20, ठीक है। यहाँ से 2 1 2 एंड 2 10 20 क्या मिल गया हमें, 1/1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या मिलेगा, बी सी इज इक्वल टू 10 × 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें एक जो साइड है उसकी लेंथ मिल चुकी है, बी सी सेंटीमीटर में है ये ए सी, तो यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में। तो बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गया एक आंसर हमारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है ए बी, तो अब हम देख सकते हैं ए बी एंड बी सी 10 अगर हम यूज़ करें 10 30, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों ही साइड्स आ जाएंगी, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, 10 ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, वैल्यू पुट करेंगे 10 30 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 10 अपॉन AC, हमें सॉरी ए बी है, यहाँ पे ए बी हमें फाइंड करना है। इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 30 एस बी नो क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन में ए बी। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो के हमें क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू 10√3 एंड सेंटीमीटर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें गिवन है फ्रेंड्स उसको हमें अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है, एंड उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हम किस प्रकार से जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है उसको हम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए सी गिवन था, एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री वो गिवन है, तो हम साइन 30 यूज़ कर सकते हैं जिसमें बी सी अपॉन ए सी मिल जाएगा। इस प्रकार से बी सी फाइंड कर लेंगे एंड बी सी अपॉन ए बी 10 30, इस तरह से करके हम ए बी को फाइंड कर सकते हैं इजीली। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर और ये हो गया सेकेंड आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। इसके बाद फ्रेंड्स दो क्वेश्चन और हैं ऑलमोस्ट सेम टाइप के इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।